आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव आज झारखंड में चुनाव प्रचार करने के लिए सुबह सुबह एयरपोर्ट निकले थे, लेकिन किसी कारणवश हेलीकॉप्टर में तकनीकी खराबी थी और उसके बाद लालू यादव फौरन 10 सर्कुलर रोड यानी सरकारी आवास, राबड़ी देवी का सरकारी आवास आपको हम दिखा रहे हैं और यहीं पर लालू यादव वहाँ एयरपोर्ट से ठीक यहाँ पहुँचे और उसके 10 मिनट बाद ही लालू यादव अपनी प्राइवेट गाड़ी से यानी जो इनका प्राइवेट गाड़ी है उससे लालू यादव कोडरमा के लिए रवाना हो गए। और हम आपको ये दिखा रहे हैं कि जिस तरीके से जो सत्ता पक्ष ये आरोप लगा रही थी कि चुनाव के समय लालू यादव को नज़रबंद क्यों किया गया, आखिर नज़रबंद लालू यादव नहीं हुए। और जैसे ही चुनाव प्रचार का समय हुआ तो लालू यादव अब पुराने अंदाज में लौट गए हैं और ये हेलीकॉप्टर तो तकनीकी खराबी के कारण हेलीकॉप्टर से नहीं गए, लेकिन लालू प्रसाद यादव की वो आप गाड़ी है जो प्राइवेट गाड़ी से ये कोडरमा के लिए रवाना हुए हैं। और रास्ते का ये विजुअल हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे लालू प्रसाद यादव कोडरमा के लिए जा रहे हैं हनहनाती गाड़ी से, यानी कह सकते हैं कि जिस तरीके से जो आरजेडी का स्लोगन है कि न रुकेंगे न झुकेंगे, 2025 में तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाएंगे, यानी लालू प्रसाद यादव झारखंड में तो फिर से दोबारा सरकार बनाने की कवायद शुरू कर दी है, यानी आज झारखंड में कोडरमा जिला में वहां पर सुभाष यादव जो हैं उनके लिए वोट मांगेंगे, चुनाव प्रचार करेंगे और उसके बाद अपने ही गाड़ी से वो बेलागंज पहुंचेंगे जहां पर सुरेंद्र यादव के बेटा जो हैं वो चुनाव लड़ रहे हैं उनके लिए भी वोट मांगेंगे। लेकिन लालू यादव अब पीछे हटने वाले नहीं हैं क्योंकि तकनीकी खराबी के कारण हेलीकॉप्टर तो खराब हो गया, लेकिन लालू यादव रुके नहीं, अपनी निजी गाड़ी से वो चुनाव प्रचार करने के लिए निकल गए हैं। आपको एयरपोर्ट से जैसे ही लौटे थे 10 सर्कुलर रोड वो आपको हम वीडियो दिखा रहे हैं कि लालू प्रसाद यादव 10 सर्कुलर रोड आए और ठीक तुरंत बाद यहाँ से अपनी निजी गाड़ी से कुछ आरजेडी के नेताओं के साथ निकल गए हैं। और वो ये वीडियो आपको हम दिखा रहे हैं कि ये रास्ते का वीडियो है और लालू यादव कैसे हनहनाते हुए न रुकेंगे न झुकेंगे तेजस्वी की सरकार बनाएंगे, यानी बिहार में जो है 4 उपसभा चुनाव है, यानी हम कह सकते हैं कि उपचुनाव है पैच, जो बिहार में जो 4 विधानसभा का उपचुनाव है उस पे लालू यादव भी चुनाव प्रचार करेंगे। और बिहार में आरजेडी यानी कह सकते हैं कि महागठबंधन को अच्छा खासा सीट दिलाने की प्रयास कर रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि लालू यादव अब कोडरमा के लिए निकल गए हैं और वो आपको विजुअल दिखा रहे हैं कि लालू यादव कैसे हनहनाते हुए कोडरमा के लिए निकले और सुभाष यादव के लिए आज वोट मांगेंगे। आलोक कुमार, 10 न्यूज़, पटना।